मर्दों को झगड़े का ज्यादा लुत्फ नहीं आता था। मर्दों ने तो सिरे से दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी थी। अलबत्ता औरतें बेगम राजा या बेगम ख्वाजा की पहली ही आवाज पर लपक कर छतों पर चढ़ जाती या खिड़कियों में से आधी आधी बाहर निकल आती। मगर जब झगड़ा खत्म होता तो यूं उदास चेहरे लिए पलटी जैसे सोने की तलाश में पहाड़ खोद कर खाली हाथ आ रही हूँ। एक गांव की कच्ची सड़क को पुख्ता करने के लिए एक रोड रूलर आया हुआ है। ये कुवी अल बख्सा दीनू सारी जापानी पहलवानों की तरह एक का एक पहाड़ है, मगर गोश्त का पहाड़ नहीं, ये तो काले लोहे का पहाड़ है जिसका काम कच्ची खुशबूदार जमीन के चेहरे पर बजरी की तय जमाना है। जब ये हमारे गांव में दाखिल हुआ तो बच्चों और कुत्तों ने इसका खूब स्वागत किया। बच्चे तो इसके बारी बार कम गोल मटोल पहियों पर सवार होकर तालियां पीटने और शोर मचाने लगे। अलबत्ता कुत्तों ने सिर्फ भौंकने तक खुद को महदूद रखा, मगर दो तीन रोज ही मैं इन लोगों का जज्बा हैरत मंद पड़ गया। और अब ये रोड रूलर सारा दिन अपने बूढ़े ड्राइवर की मैयत में कमाल अहगिस्तगी के साथ सड़क पर आगे पीछे होता रहता है। शाम को जब ड्राइवर ने इस पर रखे हुए कमरे को ताला लगा कर कहीं चला जाता है तो मैं उसके पास आ जाता हूँ और इस अजूबा रोजगार को ता देर देखता रहता हूँ। सड़क को कूटते कूटते अब इसके बारी पे ये हासे घिस चुके हैं। इन पर फिट किया हुआ कमरा भी हासा पुराना हो चुका है। खुदा जाने ये रोड रूलर अब तक किस किस गांठ का तेल पी चुका है कि इतना बूढ़ा और घिसा पिटा नजर आता है। सड़क के एक मोड़ से कई आवारा कुत्ते निकलकर जोर जोर से भौंकने लगे। उसने सामने नजर डाली तो दिल धक से रह गया। एक सायाकार की तेज रोशनी में लहराया अंधेरे में एक दर्दनाक इंसानी चीख उभरी। कार अचानक जोर से उछली और सड़क के किनारे से लगे हुए बिजली के खंभे से जाकर जोर से टकरा गई। ये सब कुछ अनफनन हुआ। वो देर जरा देर तक तो हक्का बक्का सा स्टेयरिंग पर भूत बना बैठा रहा, फिर वो कार से निकल कर बाहर आया। चौड़ा आदमी ओंधे मुँह लेटा था, उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान का पता न था। हर तरफ गहरा अंधेरा था और मैलों तक फैली हुई सुनसान सड़क। मौका गनीमत था। दरानी ने कपकपाते हाथों से उसको घसीट कर सड़क के किनारे किया और जल्दी से कार के अंदर जाकर उसको स्टार्ट करने लगा, मगर कार स्टार्ट ना हुई। जब वो हर कोशिश के बावजूद भी कार स्टार्ट ना कर सका तो मजबूरन उतर कर नीचे आ गया। एक बार वो फिर डरते डरते खून में डूबे हुए आदमी के पास गया। अब उसने कराहना बंद कर दिया और आंखें बंद किए पड़ा था। दुरानी उसके करीब वहशत ज़दा सा खड़ा सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। वो जट से ट्रक पर चढ़ गया और ट्रक शोर करता हुआ आगे बढ़ गया था। ना वहां से कोई मील भर था। दुरानी सड़क से उतर कर सीधा थाने के अंदर चला गया। रात की ड्यूटी पर जो सब इंस्पेक्टर तैनात था, दरवाजे पर ही दुरानी से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो उस वक्त गश्त पर जा रहा था। दुरानी ने उसको इलाहाबाद ले जाकर हादसा की नवयत बताई और जब जरा इत्मीनान हो गया तो उसके लिए ड्यूटी रूम में पहुंचा। छोटे भाई को टेलीफोन पर हदायत की कि वो स्टेशन वैगन लेकर फौरन थाने आ जाए। आध घंटा के अंदर अंदर स्टेशन वैगन था पर मौजूद थी। दुरानी और सब इंस्पेक्टर दो कांस्टेबलों के हमरा उसमें सवार होकर मौका वारदात की तरफ चल दिए।